स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है डज इट लुक द सेम, डज इट लुक द सेम विद अ क्वेश्चन मार्क. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर. डज इट लुक द सेम विद क्वेश्चन मार्क का लिटरल मीनिंग है क्या ये सेम दिखाई देते हैं या फिर क्या ये एक जैसा दिख रहा है. ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखने पर फोकस करने वाले हैं. किस पर फोकस करेंगे? देखने पर. वी विल बी गोइंग टू फोकस मोर ऑन अवर ऑब्जर्वेशन स्किल्स. ओके, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर हमें फोकस करना है कि कौन सी चीज कैसी दिखाई देती है, वो सेम दिखती है या नहीं दिखाई दे रही है, आफ्टर मे बी कटिंग, फोल्डिंग और रोटेशन एंड ऑल. ओके, तो हम वी विल बी गोइंग टू डू मेनी एक्टिविटीज. So now tell me, look at these caterpillars. Do these caterpillars look alike? आप कहोगे हाँ जी सर, ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये एक जैसे हैं भी सही. Okay. Now tell me about these stars. Do these stars look similar? आप कहोगे हाँ जी सर, ये stars भी बिल्कुल same हैं, but there is a difference कि इनके colors अलग-अलग हैं. Okay. Now look at these ice creams. Do these ice creams look same or similar? आप कहोगे हाँ जी सर, देखने में एक जैसी हैं, but इनके कलर सबके अलग अलग हैं. In this same manner, जिस तरह से अभी आपने identify किया कि कौन सी चीज सेम है कौन सी चीज नहीं है जैसे आपने ऑब्जर्व किया, इसी तरीके से हम बहुत सारी एक्टिविटीज इस चैप्टर में करने वाले हैं. ओके, सो जब मैं कह रहा हूँ एक्टिविटीज करने वाले हैं, then why don't we start our chapter with amazing, with a very interesting activity. So, अब आपकी स्क्रीन पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई देगी, उस एक्टिविटी को आपको ध्यान से देखना है. ओके, सो एंजॉय योर एक्टिविटी. I hope you have enjoyed this activity. I know it was a very easy one, but still, if you have forgotten anything, then don't you need to worry about it at all. Because iske sare instructions aapko aapki NCERT textbook mein bhi available hai, aap wahan se isko dekh sakte hain. Okay? Now, you must be thinking, ki sir, humne ye activity ki hi kyun hai? Why did we do that activity? So basically, when you will do this activity, you will get something like this. आपको इस तरह का कोई डिजाइन मिलेगा. आपका डिजाइन डेफिनेटली अलग होगा क्योंकि आप अपने घर पे कर रहे हैं, मैंने यहाँ किया है, सबका डिजाइन अलग अलग होगा. ओके, एंड when you will do this activity, you have to observe this design very carefully. क्या करना है? इसको डिजाइन को बहुत carefully observe करना है, देखना है, क्योंकि अब आपको इसको कट करना है. क्या करना है? कट करना है इन द मैनर कि आपको इस कर को कट करने के बाद दो मिरर हाफ मिल जाए. क्या मिल जाए? मिरर हाफ. आई नो मिरर हाफ, आई नो दिस टर्म मिरर हाफ इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस टर्म इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. पहले वाली क्लासेस में भी आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, बट स्टिल लेट अस रिवाइज अबाउट दिस कि ये है क्या, क्योंकि जनरली हम लोग भूल जाते हैं कभी कभार. ठीक है, सो मिरर हाफ के बारे में पढ़ते हैं. नाउ टेल मी, कैन यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वाटर बॉटल इनटू द मिरर? क्या आपको इसका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है? मेरा रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा, आई नो. सो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वाटर बॉटल इनटू द मिरर इज द मिरर इमेज ऑफ दिस वाटर बॉटल. क्या बोला मैंने? कि इसका जो रिफ्लेक्शन आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है वो क्या है? मिरर इमेज. पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मिरर हाफ की. हाफ आ गया मतलब हमें हाफ करना है. सो क्या मैं इस वाटर बॉटल को हाफ करूंगा? आई डोंट थिंक सो, दिस इज अ गुड आइडिया. सो लेट मी टेक एन अल्फाबेट जो मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है एंड वी विल सी. ठीक है, नाउ लेट्स सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अल्फाबेट. I know, अभी आपको देख के लग रहा होगा ये पता नहीं कौन सा अल्फाबेट है, बट स्टिल लेट अस चेक. सो इफ यू विल कीप दिस अल्फाबेट हियर, आई होप
आपको ये दिखाई दे रहा हो कि क्या बन गया अल्फाबेट, दिस इज अल्फाबेट ए। सो ये हाफ है इसका अल्फाबेट ए का, सो दिस इज द मिरर हाफ ऑफ अ कंप्लीट मिरर, कंप्लीट अल्फाबेट ए। यस, ये मिरर हाफ है और इसके अंदर जो आपको दिखाई दिया वो मिरर हाफ इमेज है किसका, इस अल्फाबेट ए का। ओके, अंडरस्टूड? नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर प्रीवियस डिजाइन, लुक एट दिस डिजाइन। अब हम इसको मिरर हाफ्स में कट करना है, तो क्या मैं इसको यहां से कट करूं इस वे में, सो दैट मुझे एक मिरर हाफ मिले? क्या ये ऊपर वाला डिजाइन नीचे वाले डिजाइन के सिमिलर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। क्या मैं इसको यहां से कट करूं, क्योंकि मुझे हाफ करना है, तो क्या मुझे एग्जैक्टली हाफ से कट करना चाहिए? यस। सो इधर वाले डिजाइन के बराबर दिखाई दे रहा है, सो लेट अस चेक इन द मिरर कटिंग करने से पहले। सो इफ आई टेक दिस मिरर, यू कैन सी इफ आई एम कीपिंग इट हेयर बिल्कुल सेंटर में, तो क्या आपको इसकी रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई दे रही है? देखो मैंने इमेज पीछे रखी है, मगर उसके बावजूद मुझे इसका कंप्लीट फिगर मिरर की हेल्प से मिल जा रहा है। सो दिस जो बाहर वाला पोर्शन है वो एक्चुअल में क्या है, इसका मिरर हाफ, और जो अंदर वाला है वो क्या है, इसका मिरर हाफ इमेज, अंदर वाला रिफ्लेक्शन है। ओके, अंडरस्टूड? सो लेट अस कट इट नाउ। सो मेरे को इसको कहां से कट करना है, बिल्कुल बीच में से कट करना है, सो दैट मुझे इसके दो मिरर हाफ मिल जाए। मैंने इसे कट कर दिया, नाउ कैन यू टेल मी कि क्या ये दोनों फिगर्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? आपको कहोगे हां जी सर, हमने मिरर हाउस बनाए हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, दे बोथ आर लुकिंग एग्जैक्टली सिमिलर। सो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहां पर, मेरा नाम है दीपक, सो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, डी लिख रहा हूं, व्हाट आई एम राइटिंग है, डी दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां मैंने डी लिखा है तो मुझे यहां पर भी डी ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, एम आई राइट, हूं कि नहीं? यहां पर भी डी है तो यहां पर भी डी होना चाहिए। नो इट्स नॉट ट्रू, लेट्स सी क्या होता है अगर हम इसका मिरर इमेज चेक करते हैं, किसमें, मिरर के अंदर। सो मिरर इमेज हम चेक कर रहे हैं, ओ माई गॉड, कैन यू सी क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? मैंने तो D लिखा था, बट मिरर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज B, तो मेरे को तो यहाँ पर B लिखना पड़ेगा। सो ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज जो मिरर इमेजेस होती हैं, वो फ्लिप हो जाती हैं। क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाती हैं। सी, फ्लिप मतलब पलट जाती हैं। सो जो यहाँ पर है, जो चीज यहाँ पर राइट साइड पे है, वो चीज यहाँ पे कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट साइड में, जो चीज यहाँ लेफ्ट साइड में वो यहाँ पे कहाँ चली जाएगी, राइट साइड में। बेसिकली समझ में आ गया आपको कि कैसे ये मिरर इमेज एक फ्लिप इमेज होती है। आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो अगर आप राइट हैंड वेव कर रहे हो तो मिरर में आपका जो इमेज है वो कौन सा हैंड वेव कर रहा होगा, लेफ्ट हैंड वेव कर रहा होगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, सो व्हेनेवर वी गेट इक्वल पार्ट्स और इक्वल हाफ्स ऑफ अ शेप और अ डिजाइन और एनी ऑब्जेक्ट, देन दैट शेप ऑब्जेक्ट और डिजाइन इज नोन एज, इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या सिमेट्रिकल शेप। क्या कहते हैं उसको हम, सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, लाइक आप देख सकते हो कि आपके सामने केक है जिसके इक्वल पीसेस किए हुए हैं, जो सारे के सारे बिल्कुल बराबर है, तो इस केक को हम क्या कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल केक है, क्योंकि इसके सारे पीसेस आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। नाउ लुक एट दिस पिज्जा, अगर हम इस पिज्जा को देखें तो कटिंग करने के लिए बड़ा कोशिश की गई है कि सारे बराबर पीसेस हों, बट लुक एट दिस, ऑब्जर्व इट केयरफुली कि इस केक के ऊपर जो टॉपिंग है वो मे बी किसी किसी में डिफरेंट आ गया, तो जहां पर भी अलग हो जाए वो शेप एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं दिखाई दे उसके पार्ट्स, तो उनको हम क्या कह देते हैं, एसिमेट्रिक। क्या कह देते हैं, एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिकल। ओके, समझ में आ गया सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या होता है।
नाउ जो हमने शेप अभी कट की डिजाइन कट किया उसको हमने सेंटर लाइन से कट किया, उस लाइन को भी हम कुछ कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर उस फिगर में सिमेट्री है और उसके उसको हमें मिरर हाफ मिल रहे हैं, तो उस लाइन से जहां से हमें वो कट करके मिल रहे हैं दो हाफ, उस लाइन को हम क्या कह देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड? सो नाउ यू हैव टू इमेजिन दैट आपकी मदर ने ये दो बर्गर बनाए हैं, एक आपके लिए और एक आपके सिबलिंग के लिए। ओके, सो लकीली आपको ये वाला बर्गर मिला और आपके सिबलिंग को ये वाला बर्गर मिला। ओके, सो ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत बात हो गई कि उसको इस तरह का बर्गर मिला जो देखने में नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज भी नहीं लग रहा, और आपको बहुत अच्छा वाला मिला। सो आपका दिल बहुत बड़ा है, यू हैव अ ग्रेट काइंड हार्ट, सो यू हैव डिसाइडेड कि हम लोग आप शेयर कर लेते हैं अपने बर्गर को। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया कि पहले आपने इसको हाफ का किया, ठीक है, और आपके ब्रदर या सिस्टर या आपके सिबलिंग जो भी है उसने भी इसको हाफ किया। ओके, तो जब आपने हाफ किया तो आपका ब्रदर ने कहा चलो ठीक है, आपने कहा ये वाला पीस आप मेरा ले लो, इधर वाला पार्ट, आपके ब्रदर ने कहा कि आप भी मेरा ये वाला ले लो, तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाले में तो दोनों पीसेस क्या हो गए, अनइक्वल, और ये वाले तो इक्वल है। सो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी पार्ट्स किसी भी चीज को अगर हम कट करें या फिर उसको फोल्ड करें और हमें उसके इक्वल इक्वल पार्ट्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल पार्ट्स मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, सिमेट्रिकल शेप। तो हम इस वर्ब को क्या कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल बर्गर है। क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल बर्गर। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ए सिमेट्रिकल बर्गर। कैसा बर्गर है ये, ए सिमेट्रिकल बर्गर, क्योंकि इसके इक्वल इक्वल और आइडेंटिकल पीसेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ इमेजिन कि आपको एग्जाम में मिरर हाफ या सिमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो क्या आप वहां पर मिरर कैरी करोगे अपने साथ? आई डोंट थिंक सो कि वो आपको अलाउड होगा। सो इन दैट केस हम लोगों को क्या कर सकते हैं कि सिमेट्री या मिरर हाफ या लाइन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए हम लोग फोल्डिंग एक्टिविटी का या फोल्डिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे हम, फोल्डिंग मेथड। ओके, तो फोल्डिंग मेथड में हमें क्या करना होता है, लेट्स चेक आउट। सो नाउ लुक एट दिस क्लाउड, आपको एक क्लाउड दिखाई दे रहा है। इस क्लाउड के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, या क्या इसके मिरर हाफ हम कर सकते हैं, तो हाँ आप कैसे बताओगे, हम इसको फोल्ड करके देखेंगे। वी विल जनरली ट्राई कि हम इसको हाफ वे फोल्ड करें। हम चलो एक बारी ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको हाफ वे फोल्ड कर रहा हूं तो क्या ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है अभी भी? यस, इसका मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले के ऊपर कंप्लीट ओवरलैप नहीं हुआ है, इसी वजह से ये शेप क्या हो जाएगी। चलो दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, अभी सोचने से पहले अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूं तो क्या ये अभी ओवरलैप हो रही है, हर जगह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन बच रहा है। आप जैसे मर्जी ट्राई कर लीजिए, ये जो क्लाउड है ये कभी भी कंप्लीटली ओवरलैप इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पर नहीं करेगा। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, कंप्लीट ओवरलैपिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, कंप्लीट ओवरलैप। तो ये कंप्लीट ओवरलैप जब तक नहीं होगा तब तक ये एक सिमेट्रिक शेप नहीं कहलाएगी। ओके, तो दिस क्लाउड इज बेसिकली नॉट अ सिमेट्रिकल शेप। ओके, इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा है, ओवरलैप कंप्लीटली नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ लेट मी टेक अनदर शेप, दिस इज अ स्क्वायर
यू कैन सी कि जो ये स्क्वायर है, अगर मैं ये स्क्वायर ले रहा हूं तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जो ये स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर के चारों साइड्स कैसे होते हैं एक जैसे? ऑल द लेंथ साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, ऑल्सो द इंटरनल एंगल, जो ये इंटरनल एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री ईच। ये आपने पहले ही शेप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ लिया है। सो अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है सच दैट ये वाला 90 डिग्री एंगल दूसरे वाले 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आ जाए और ये वाली लाइन दूसरे वाली लाइन के ऊपर आ जाए। तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको हाफ वे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम हाफ वे फोल्ड करेंगे, लेट्स डू इट, तो हम क्या देखेंगे कि जो लाइन है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आए और जो 90 डिग्री का एंगल है वो 90 डिग्री के ऊपर है। तो ये कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है इसमें। दैट मींस ये लाइन जो अब हमें मिली है फोल्ड पर, आप देख सकते हो जो ये लाइन आपको फोल्ड पर दिखाई दे रही है वो क्या लाइन है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? We call it line of symmetry. तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे? Line of symmetry. और जो ये दो parts equal equal आपको दिखाई दे रहे हैं उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? Mirror halves. क्या बोलेंगे? Mirror half. इधर वाला भी mirror half हो गया और इधर वाला भी मिरर हाफ हो गया। ये दोनों इक्वल है। सो बेसिकली एक स्क्वायर कैसी शेप हो गई? सिमेट्रिकल शेप। ओके, अभी हमें इसमें ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई है। अब नाउ ऑब्जर्व इट अगेन एंड टेल मी वेदर दिस शेप आल्सो हैव सम अदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज। यस, आप सही सोच रहे हो कि इसके अंदर और भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। Now look at this. This line of symmetry was vertical and now I am folding this square in this manner. तब भी तो 90 degree वाला angle उस 90 degree वाले angle पर और ये line उसके ऊपर overlap करेगा. That means ये क्या हो जाएगा? एक ये वाला line of symmetry भी इसके अंदर मिल गया आपको. Okay? Now क्या और कोई line of symmetry भी इसमें possible है? तो एक बारी हम देख लेते हैं. Why not we try it? एक बारी folding ही तो करनी है. So, look at this. यहाँ पर भी 90 degree angle है, यहाँ पर भी 90 degree angle है. तो क्या मैं ये वाले corner को ये वाले corner से मिला के देखूं कि क्या होता है? Let's try. तो जब हम इसको मिलाएंगे, you can see कि ये इसके ऊपर क्या हो गया? Complete overlap हो गया. So that means इसमें जो diagonal line आपको मिल रही है, वो भी एक line of symmetry है. तो ये वाला diagonal मिल गया, तो दूसरा diagonal भी definitely होगा. और वो कैसे दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा. यू कैन सी इसको अगर मैं इसमें फोल्ड करूंगा तो एक और डायगनल मिल गया जो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो बेसिकली और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है इसके अंदर? आप जब ट्राई करोगे तो आपको और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी. एक स्क्वायर के अंदर वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और दो डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्रीज ही होती है. तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, जनरली एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि एक स्क्वायर के अंदर कितनी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, तो आप क्या बताओगे कि एक लाइन इसके अंदर एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और दो डायगोनल, दैट मींस चार. टोटल कितनी है? चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी. ओके, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने ये वाला एक स्क्वायर लिया है तो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होगी? तो आप मुझे कहोगे कि सर ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा स्क्वायर हमने पहला देखा था. तो इसके अंदर ये भी एक स्क्वायर ही है, तो ये इसके अंदर भी फोर लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी. सो लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं. अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ वर्टिकली तो क्या देख रहा हूँ कि जो ये पिंक वाला पोर्शन है वो ओवरलैप हो रहा है ग्रीन वाले के ऊपर और जो ये नीचे वाला ग्रीन वाला पोर्शन है वो पिंक वाले के ऊपर ओवरलैप हो रहा है. ओवरलैपिंग तो कंप्लीट हो रही है शेप वाइज, बट अगर मैं कलर देखूं तो कलर इन दोनों के अलग अलग है. सो क्या हुआ, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री इसको हम कह सकते हैं क्या? नो, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कलर का डिफरेंस आ गया है. सो देयर इज नो लाइन ऑफ वर्टिकल सिमेट्री.
एंड अगर हम हॉरिजॉन्टल चेक करें तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी, तो दोनों लाइन उस मैट्रिक्स में नहीं है। चलो एक बार डायगनल चेक करते हैं। अगर मैं डायगनली इसको फोल्ड करता हूँ तो यू कैन सी कि जो ये पिंक वाला पोर्शन है ये पिंक पर आ रहा है, ये वाला ग्रीन पोर्शन इस ग्रीन पे आ रहा है, ये वाला पिंक पोर्शन इस पिंक पे आ रहा है। तो डायगनली इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके अंदर टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? दो। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ इफ आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल, आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल, आप कहोगे सर रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री अंदर एंगल सारे होते हैं, सारे एंगल्स, और बाहर की लाइंस भी एक दूसरे के अपोजिट लाइंस इक्वल इन लेंथ होती है, तो इसमें भी चार ही होंगे। तो लेट अस चेक, अगर मैं इसको वर्टिकली अगर फोल्ड करता हूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टल भी करता हूं तो हॉरिजॉन्टल में भी ये कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है, बट दो लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिल गई। अगर मैं इसको डायगनली करता हूं तो आपको डायगनल भी हो ही जाना चाहिए। तो अगर मैं करके देखता हूं डायगनल लाइन से इसको फोल्ड, तो आपको ये क्या मिल रहा है? दिस इज नॉट ओवरलैपिंग एट ऑल। आप देख सकते हो कि ये दोनों पोर्शन बाहर निकले हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि डायगनली एक रेक्टेंगुलर शेप क्या नहीं होती? लाइन ऑफ सिमेट्रिकल नहीं होती। ओके, अंडरस्टूड? नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज आल्सो अवेलेबल इन योर बुक। दिस इज अ रेगुलर ट्रायंगल। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल है, रेगुलर ट्रायंगल का वही मतलब होता है। नाउ द डिफरेंस इज वन इज पिंक एंड द अदर इज येलो और ग्रीन। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू फोल्ड इट इन द मैनर सो दैट आई कैन गेट कंप्लीट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए मुझे ये वाले को इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ओके, अगर मैंने इसको रखा तो यू कैन सी कि जो ये वाला है ग्रीन पोर्शन है वो इसके ऊपर पूरा आ गया, और ये पिंक पोर्शन है ये भी पूरा आ गया, और ब्लू भी पूरा ही आ गया। तो ये वाली जो लाइन बनी फोल्डिंग लाइन, ये लाइन कैसी है? ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इधर वाला हाफ इधर वाले हाफ के एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, मिरर हाफ्स है। ओके, नाउ लेट अस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं और अब चेक करते हैं कि अगर मैं इसको इस वे में फोल्ड करता हूं तो क्या मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है? सी इफ आई एम ट्राइंग टू डू दिस, तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है वो ग्रीन वाले के ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। दैट मींस क्लियरली यहां पर कलर की वजह से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट एक बार और फोल्ड करते हैं, थोड़ा सा और घुमा के। सो इफ आई एम फोल्डिंग इट इन दिस मैनर, एक ही पोर्शन बच गया है, तो अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं फोल्ड, तो यू कैन सी कि ये येलो वाला या फिर ग्रीन वाले के ऊपर पिंक वाला ओवरलैप कर गया है। सो इस वजह से ये वाली शेप इस तरफ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, जो कि है ये वाली लाइन, जिसका इधर वाला हाफ इधर वाले हाफ के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ इन योर नेचर ऑल्सो देर आर मेनी थिंग्स जो सिमेट्रिकल होती हैं। नाउ लुक एट द सीनरी, यू कैन सी कि इस सीनरी के अंदर जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, माउंटेन ट्रीज और ऊपर का स्काई, वो पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर रहा है रिवर के अंदर भी, रिवर के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर जो रिवर है वो एक तरह का मिरर का काम कर रही है, और जो मिरर और जो एक्चुअल रिवर और जो एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल डायग्राम है, एक्चुअल जो सीनरी है, उसके बीच में एक थिन लाइन बन रही है। दैट थिन लाइन इज नेचुरली लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले की एग्जैक्टली इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे पानी में। ओके, इन द सेम मैनर आपको फिशेज देखने को मिल जाएगी आपके सराउंडिंग में। ठीक है, अगर मैं फिशेज ले रहा हूं तो यू कैन सी, अगर मैंने एक ये वाला फिश लिया और ये वाला फिश लिया, तो आप देख सकते हो ये दोनों फिश क्या इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है? सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये जो लाइन यहां पर है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर ये वाली इस फिगर में इस वाली फिश में मैंने जो लाइन बनाई है ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है? आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो वो एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है। कैसी लाइन में? डॉटेड लाइन में। ओके, सो
क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? देखो ऊपर वाला हाफ एग्जैक्टली नीचे वाले हाफ के इक्वल है ना, सेम टू सेम आइडेंटिकल दिख रहा है ना फिश में, इस मैग्नेट को इग्नोर कर दो। मगर क्या ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्ट कर रही है? नो। व्हाई? बिकॉज़ इधर तो पूरी कंप्लीट फिश है और अगर मैं यहाँ मिरर रख दूँ तो उसकी रिफ्लेक्शन में मुझे उसमें भी फिश दिखाई देगी। तो ये और ये इधर वाली इसकी टेल और इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों को हम ये वाले में हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते हैं, मगर ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके। इन द सेम मैनर आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी अल्फाबेट्स पढ़े हैं जिन अल्फाबेट्स के अंदर भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज मिल जाती है। नाउ लुक एट दीज टू अल्फाबेट्स ए एंड एम, यू कैन सी कि इसके अंदर आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ए को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लुक एट द अदर फिगर, इन दिस यू हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इन द सेम मैनर बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आपको इसको ट्राई करना है घर में कि कौन कौन से अल्फाबेट में होती है और कौन कौन से में नहीं होती है, आपको बहुत मजा आएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचना है। ओके। ऐसी कौन सी फिगर है या शेप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती है? क्या होती है? सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती है। आपको ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ऐसी शेप के बारे में सोचना है। ओके। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तब तक आपको इसके बारे में सोचना है। आज के चैप्टर का आपका फर्स्ट पार्ट यही कंप्लीट होता है और ये आपको आपके लिए मैंने होम असाइनमेंट रेडी किया है, आपको ये अपने घर में करना है आपकी मैथ्स की नोटबुक में। ओके। आप इसको यहाँ से देख सकते हो, अगर आपको ये यहाँ से क्लियर नहीं दिखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस असाइनमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। ओके। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीबॉडी।